नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली थी कांस्टेबल की और ड्राइवर की, लगभग 5,390, तो दोस्तों इसका एडमिट कार्ड आगे आएगा और आज से इसका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एडमिट कार्ड आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में ये भी जानेंगे कि इसके ऑनलाइन एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखा दूँ एडमिट कार्ड से संबंधित। आप इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी डाउनलोड कर रखा PDF फाइल। तो ये नोटिफिकेशन में बताया गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, और यहाँ पे बताया गया कांस्टेबल भर्ती 2017। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेट बताई गई है कि ऑनलाइन एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 मार्च से आयोजित होगी लिखित परीक्षा। तो जो आपके एग्जाम ऑनलाइन ये 7 मार्च से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि जयपुर 26 फरवरी पुलिस मुख्यालय द्वारा 5,390 कांस्टेबल सामान्य एवं कांस्टेबल चालक पदों की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा आगामी 7 मार्च 2018 से लगभग 45 दिवस तक आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों आप यहां पे सामने पढ़ सकते हैं कि लगभग जो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो लगभग 45 दिनों तक होगा। और यहां पे कुछ बताया गया है कि इसके जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगा, ये नोटिफिकेशन में बताया गया था। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहां पे बताया गया कि इसकी जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। अब यहां पे ये लोकेशन बताई गई है कि कहां कहां पे इसका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी मेंशन लिखा रहेगा आपकी लोकेशन कि आपका एग्ज़ाम कहां पे होगा और टाइमिंग बताई गई कितने टाइमिंग से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों इसकी जो ये ऑफिशियली वेबसाइट हैगा, ये ऑफिशियली वेबसाइट दे रखा हैगा, आप यहाँ से लिखित परीक्षा के ई प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट, ये जो बताया गया है कि इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट के पास चले जाएंगे, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे कुछ और डिटेल बताई गई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि महानिरीक्षक पुलिस ने बताया कि प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने की सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर जरिए SMS अधिकृत फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों जो आपने अपना मोबाइल नंबर दे रखा होगा तो उसके थ्रू भी आपको पता ही चल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। और आपको जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSO ID या ट्रांजेक्शन नंबर, M, साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी तो आप उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात और बताई गई, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे बताया कि अभ्यर्थियों कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र के साथ स्वयं का आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा पासपोर्ट में से एक मूल दस्तावेज लाना आवश्यक होगा। तो दोस्तों आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो आपको एग्जाम के लिए आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और कुछ यहाँ पे भी बताया गया है कि अभ्यर्थियों को बॉल पेन व पेंसिल परीक्षा केंद्र पर साथ लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपका एक बॉल पेन होना चाहिए और साथ में आपके साथ एक पेंसिल भी होनी चाहिए। और इसमें भी बताया गया है कि इसके अतिरिक्त मोबाइल, ब्लूटूथ, पर्स या कोई भी आपत्तिजनक सामग्री के साथ अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश नहीं दिया जाए। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई पर्स हैगा या किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आपको वहां पे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो दोस्तों इसका ये जो नोटिफिकेशन है ये आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे ये लिंक दे रखिएगी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी ये लिंक पे जाके इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसके बात करते हैं कि इसका एडमिट कार्ड आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसको जस्ट ऐसे कॉपी करना आता है, जस्ट आपको इसको कुछ क्लिक कर देंगे तो भी आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और मैं अपने जो ब्राउजर हैगा, वेब ब्राउजर जो भी आपके पास हो, बस आपको जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट एंड गो करना है। आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे
अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों इसकी हम ऑफिशियली वेबसाइट के अंदर आ गएंगे। आपको इसका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सर्वर अभी काफ़ी डाउन हैगा, इस कारण इसकी वेबसाइट जो एडमिट कार्ड की है वो चल रही नहीं हैगी। कुछ ही देर में आपकी इसकी जो ये वेबसाइट है ये वर्क करने लगेगी, फिर उसके बाद आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो ये एक और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है कि राजस्थान पुलिस रिक्वायरमेंट डॉट कॉम, तो यहाँ पे भी बताया गया है कि इसका अभी जो एडमिट कार्ड हैगा वो थोड़ी देर में उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 मार्च 2018 एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल शॉर्टली। तो दोस्तों जल्दी आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कुछ ही समय बाद, क्योंकि अब इसका ये सर्वर इनका काफ़ी स्लो हो रखा है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी बताया गया है कि जो इसका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा वो 7 मार्च 2018 से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया था कि एडमिट कार्ड आपका 27 फरवरी 2018 को 9 बजे के बाद आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ही देर बाद आप ट्राई कर लीजिए, आप अपना इसका एडमिट कार्ड आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।